अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्हापुरी सुक्का चिकन। ये रहा हमारा हाफ केजी चिकन। अब इसमें हम नमक और हल्दी मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से हाथों से हिलाएंगे। हमारी हंडी गर्म हो चुकी है और अब इसमें हमने ऑयल डाला है। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने नमक और हल्दी मिक्स करी थी चिकन में, अब हमें डालेंगे। और इसको हम ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे एक 10-15 मिनट। अब हमारी हंडी गर्म हो चुकी है। अब हमने इसमें ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्च एक 4 टेबलस्पून डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने मसाला पीसा था वो उसके अंदर मिक्स करेंगे। और इसको एक 5 मिनट के लिए अच्छे से हिलाएंगे जब तक ये मसाला अच्छा तेल ना छोड़े, तब तक इसको हम अच्छा मिक्स कर लेंगे और एक 5 मिनट इसको ऐसे ही पकाएंगे। ऐसे ही हिलाएंगे हम इसको। अब यह मसाला पक चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। वो ये जो मसाला था वो हम चिकन के अंदर डालेंगे। अब इसका हम प्लेट निकालेंगे। अब हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई। ये देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं बघारे सो चावल। उसके लगने वाली सामग्री प्याज, अदरक, लहसुन पेस्ट, इलायची, दालचीनी, लौंग और कोथमीर, ज़ीरा, ये सब हम अब तेल में। अब हमारी हंडी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। इसमें हम डालेंगे प्याज। और प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट और इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक हंडी पानी डालेंगे। ये देखिए, हमने 1.5 माप चावल को ऐसे भिगो के रखा है। अब जब हमारा पानी उबाल आएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। अब इसके अंदर हमने पूरे चावल डाल दिए। अब हमारा खाना
पक चुका है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये देखिए हमारे चावल और चिकन की ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। ये इसका फाइनल लुक। ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।